हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना। आइए ध्यान देते हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है पिछले वाला वीडियो देखिए, मतलब पिछले वाला क्लास देखिए, समझ में आ जाएगी। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टाइप देख रहे थे, टाइप छठा। और हम लोग एक मेथड था, क्या, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करनी थी, समझ रहे ना। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं कौन कौन नंबर प्रॉब्लम है, बारी बारी से। एक विद्यार्थी का नंबर आया है 6, हम देखने वाले हैं 6 नंबर कुछ इस प्रकार की है। 6 नंबर में इंटीग्रेशन करनी आपको x बटे e का पावर x स्क्वायर dx। और पहले बता चुके हम आपको, फिर मेरी बातें सुनिएगा, आपको सवाल को देख के थोड़ा देर बिना सोचे कलम मत चलाइए, थोड़ा देर सोचिए तभी कलम चले, और सब होता है शुरू हो जाते हैं नो। अगर बिना सोचे कलम चलेगा बीच में अटकना फिक्स है, तो बिना सोचे कलम ना चलाए, इतना सोच ले ताकि दो स्टेप तक कम से कम बढ़ ही सकते हैं, इतना सोच लीजिए। अब थोड़ा सोचिए, लेकिन प्रतिस्थापन का नियम क्या है, इसमें से ऐसा फलन को देखना है, वह फलन कहीं भी हो सकती है, ऐसा फलन को देखना है जिसका अवकलन होने के बाद बाकी का फलन आ जाए। तो आपको नहीं लग रहा है एक्स स्क्वायर माथा पे ही के माथा पे, अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो 2x आ जाएगा, और हमको x की जरूरत है तो हम, लेकिन आएगा हमको 2x, 2 को भेज लेंगे तो x बच जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको मानते हैं तो x आ जाएगा ना, आएगा। तो हम माना कि शुरू कर लेते हैं, माना कि t बराबर क्या, x स्क्वायर। अब इसका सिर्फ मानते नहीं ना, हो मानने के साथ इसका डिफरेंशिएट करते हैं, dt बटे dx, तो 2x हो गई। अब बताओ 2 गुना में तो भाग में नहीं आ जाएगा, हो dt बटे 2, हमको सिर्फ जरूरत x की ना है, तो dx चला जाएगा गुना में। अब बताओ x dx दिख रहे आपको प्रश्न में, x और dx दिख रहे। अब x dx के जगह पे क्या बैठा होगे, dt बटे 2। अब बड़ी आराम से अब करके, अब i बराबर शुरू हो जाइए x dx, एक मिनट, x dx की जगह पे क्या बैठाएंगे, dt बटे 2, बाद में आप दो को बाहर कर लीजिएगा, बचा क्या, ये सब खर्च हो गए, बचा है 1 बट्टा कुछ नहीं तो ऊपर मान ना, नीचे में e का पावर x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर की जगह आप t बैठाओगे, सही है ना, x स्क्वायर के स्थान पे आप बैठाओगे t। चलिए अगला स्टेप में 1/2 खींच लेते हैं, अब e का पावर t है, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो e का पावर t है तो e का पावर हो जाएगा माइनस t और इनटू dt, समझ रहे हो ना। और आपको पता है e का पावर t का समाकलन क्या होता है, तो e का पावर t का मतलब e का पावर x का, e का पावर माइनस t का समाकलन होगा e का पावर माइनस t, लेकिन माइनस से भाग होगा, याद है ना, x के गुणांकों से भागन होता है, तो इसका 1/2 तो हो ही जाएगी, e का पावर माइनस t का होता है e का पावर माइनस t, लेकिन माइनस एक से हम भाग देंगे, क्यों, क्योंकि t के गुणांक से नहीं भाग होगा। अगला स्टेप में हम फिर से वही कर लेंगे, e का पावर माइनस t है तो इसको पलट नींद जरा ला सकते हैं। अब बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 e का पावर t प्लस e, क्या समझ में आ गया आपको, क्योंकि नहीं समझ रहे हो ना। और हम अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं, t का मान बैठा देंगे, तो 1/2 बचा क्या, सॉरी माइनस 1/2 इंटू ई का पावर t का मान बैठा लिए, क्या कोई लोचा नहीं है, ये रहा सवाल आपका 6 नंबर। और पूछिए बारी बारी से, कितने नंबर, 9वां, एक 9वां नंबर सवाल जिनका है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9वां नंबर सवाल कुछ इस प्रकार की है, 9वां नंबर सवाल में इंटीग्रेशन करना है आपको e का पावर 2x माइनस 1 बट्टा e का पावर 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स। ध्यान यहाँ होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका। अब ये जो सवाल है इसको आपको पहले सोचना है, किसको मानने पर कौन आएगा, थोड़ा सोचिए तो एक मिनट तुरंत सोच, एक मिनट ध्यान सुनो, जब बहुत दिमाग लगाने के बाद सेटिंग नहीं खा रहा है किसको मानने पर कौन आएगा, तो दिमाग अलग वे में लगाइएगा, अलग तरीका में। अब इसको देखिए, इस प्रकार का सवाल दिखेगा ना, तो आप इसका 9वां ना था, इसका 8वां नंबर अगर जो बनाया होगा उसको बन गया ना, तो इसमें आपको मदद मिल जाना चाहिए, लेकिन आप लोग मदद नहीं लिया। ये बात कर लेते हैं, ई का पावर कितना है, ई का पावर 2x है, दुगुना x है, हो समझ गए ना, ध्यान सुनिए, ई का पावर कितना x है, सुनो कितना है ई का पावर 2x, मतलब ई का पावर 2x है, समझ गया ना, मतलब e का पावर x प्लस x है, ध्यान से देखिएगा। तो हम अगला स्टेप में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये बट्टा है, ध्यान देखिएगा, ये बट्टा है ना, तो सुनो बुआ, e का पावर 2x माइनस 1 और e का पावर 2x प्लस 1, ये आपका प्रश्न है ना, ये आपका प्रश्न है,
क्या आप इसमें e का पावर x से भाग दे लोगे और इसमें भी e का पावर x से भाग दे सकते होगा? क्यों देंगे? इसकी जवाब आपको मिलेगी 10 सेकंड बाद, है ना? क्यों देंगे? बिल्कुल सही जवाब है, क्यों देंगे? थोड़ा बस सवाल का क्या भाग दे सकते हैं ऊंची चीज से ऊपर में, उसे सवाल के साथ ऐसा छेड़खानी करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। और वैसे आप पहली बार नहीं किए हैं, इससे पहले भी आप कर चुके हो। किसमें? इससे पहले आप किए हो त्रिकोणमिति में, जिसमें आप कॉस से भाग देते ऊपर नीचे, फॉर्मूला आया था। जैसे ही भाग देंगे तो आप लड़का बोला काहे भाग देंगे, तो देखिए क्या होगा भाग देने के बाद से। ये जब अलग अलग होगी तो ई का पावर दो एक्स आई का पावर एगो, एगो एक्स हट जाएगा तो बचेगा ई का पावर एगो एक्स, समझ गया ना? फिर ये माइनस वन बटे ई का पावर एक्स होगा। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो वन का पावर माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, जब ये कट जाएगा, लेकिन ये वन बटे ई का ऊपर जाएगा तो ई का पावर माइनस एक्स नहीं हो जाएगी। अरे भाई, वन बटे ई का पावर एक्स है, इसको ई का पावर माइनस एक्स नहीं लिखा ऊपर जाकर, वही किया गया है। नीचे भी कुछ इसी प्रकार की होगी, e का पावर x प्लस ये हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स हो जाएगी इंटू dx, इतना होगा। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, छेड़छाड़ हुआ है। अब आप गौर करिएगा ना, तो नीचे वाला का अवकलन कीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? अब आप नीचे वाले का अगर अवकलन करते हो तो ऊपर वाला फट से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा हो? नहीं, नीचे वाला करना ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर करोगे तो वन बटन है ये। तो देखिए अब मतलब ऐसे करते हैं, माना कि किसको आप गलत टी मानोगे, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी टी बटे एक्स, तो बताओ ई का पावर एक्स एन हो जाएगा। और ई का पावर एक्स का अवकलन ई का पावर एक्स है और माइनस नहीं हो जाएगा, ऐसे समझ आ रहा है ना? अरे भाई, ई का पावर माइनस ई का पावर माइनस एक्स का माइनस एक नहीं होगा, इसलिए अब बताओ क्या ये आ चुका है ऊपर वाला? अब हमको डी टी को रहने देते हैं, डी एक्स इधर भाग में गुना में आ जाएगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स, और इधर dx आ जाएगा। क्या आपको इतना चीज़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है ऊपर में? e का पावर x माइनस ऊपर वाला टोटल दिख रही है, इसके जगह क्या लिख देंगे? मतलब इस टोटल के जगह पर ना dt लिखेंगे। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, अब i बराबर मान बैठाइए ऊपर वाला टोटल के जगह पर क्या dt बटा कुछ नहीं तो ऊपर में x सब खर्च हो गए, और नीचे में टोटल क्या मानोगे t, है ना? अब 1 बटे टी का इंटीग्रेशन तो आप जानवे करते हो, लॉग टी प्लस सी। क्या आप मान बैठाना पसंद करेंगे? लॉग और टी की जगह बैठो, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी, कोई जुलम नहीं ना? जल्दी खाली करिए, सवाल नंबर है 8वां, ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को प्रैक्टिस में। आइए और पूछिए, तो 18 नंबर है, जिनका जिनका है 18 नंबर वो थोड़ा देखना चाहेंगे, ध्यान यहां दीजिएगा। अठारह नंबर में इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार की करनी है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? cot x इंटू log साइन x, ध्यान यहां पे होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान सुनिएगा। इसको किसको माने ताकि कौन आए, यही सोचना। देखिए एक विद्यार्थी का जवाब है log साइन x को माने, तो पहले देख लेते हैं। log साइन x का अवकलन होगा 1 बटे साइन x, और साइन का अवकलन होगा cos, तो cos बटे साइन cot नहीं हो जाएगा? यस, log साइन x मानेंगे तो इसका अवकलन में cot आ जाएगा, बड़ी आसानी से काम हो जाएगी। तो किसको मानना पड़ेगा? माना छोड़ देते हैं, माना कि t बराबर कितना हो जाएगा, log साइन x, बंदे के ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब log साइन x मान लिए ना, तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dt टी बट्टा डी एक्स। तो शुरू हो जाइए, log साइन x का हो जाएगा 1 बटे साइन x, और साइन x का हो जाएगा cos x। तो साइन बटे cos को क्या होते, ये dt को रहने देते हैं, तो ये cos बटे cot x इंटू डी एक्स। अब ये cot x इंटू डी एक्स के जगह पे हम क्या रखना चाहेंगे? तो अब i बराबर हो जाएगी, बताओ रखना शुरू करिए, इस दोनों के जगह पे क्या रखा जाएगा dt, बचा कितना, बचा log sin t को क्या लिखे t ने लिखे। अब बताओ इसका तो तुरंत नहीं हो जाएगा, t का होता है t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, तब बताओ 1 बाई 2 लिख लो, और t का मान बैठा लोगे का, t का मान कितना हो जाएगा, log sin t log sin x, काम हो जाएगी का? जल्दी लिखो, ये रहा सवाल नंबर
11, ये 18 था। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक विद्यार्थी का है, आप लोग भी देख लीजिए। 11 नंबर सवाल तो बहुत इजी है भाई, 11 नंबर सवाल तो बहुत इजी है। क्या है? sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। इसको तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, नहीं तो इसका प्रतिस्थापन अप्लाई करोगे। आइए देखिए प्रतिस्थापन क्या होता है। कोपचे वाले को ना बोल लेते मानने के लिए, तो कोपचे वाले को मानिए। माना कि क्या मानोगे? टी किसको मानोगे? 7 माइनस 4x को मानोगे टी। तो अब इसका डिफरेंशिएट कितना होगा? dt बटे dx। इसका डिफरेंशिएट जो हो जाएगी, 7 का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -4। और आपको कुछ है ही नहीं, बाहर में कुछ नहीं ना है, मतलब आपको कुछ ऐसा है ही नहीं जो लाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए क्या होगा, ये dt तो है 4, इधर गुना में भाग में आएगा, dt बटे -4 उधर क्या जाएगा? dx। मतलब अब आपको जहां भी dx दिखे वहां dt बटे 4 लिख सकते हो। अब लिखिए अब करके, अब i बराबर स्टार्ट कीजिए। यहां देखिएगा sec, देखिए पहले dx जब क्या लिखेंगे, dt बटे 4 लिख दिए, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये यूज हो गई। अब बचा कितना? sec स्क्वायर है, टोटल को t नहीं लिखेंगे, t लिख दिए। अब क्या फार्मूला आपको पता है? ये -1/4 ना हो जाएगा 4 कॉमन लेने बाद। अब ये sec स्क्वायर t का, sec स्क्वायर t का कितना? tan t + c। अब आप आराम से मान बैठा सकते हो t का, tan t का मान 7 माइनस 4x + c। ये रहा प्रश्न नंबर 11। और किसी को लोचा? कितने नंबर अब लोचा है? अब एक विद्यार्थी का लोचा है 21, उसके बाद हम लोग 22वां देखेंगे। पहले 21वां देख लीजिए। 21 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार की है, देखो 21 नंबर है 1/1 cot x dx। थोड़ा ध्यान यहां लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सुनिएगा और बहुत बढ़िया से सुनिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगी सवाल को समझिए। बहुत बढ़िया चीजें हैं। 1/1 cot x, इसमें तो कम से कम प्रतिस्थापन के लिए 2-3 आइटम होना चाहिए ना भाई। तुमने एक रखें दूसरा आएंगे, सिर्फ एक चीज यहां पे दिख रहा है क्या? cot 1 cot, ऊपर में कुछ है ही नहीं जो आएगा, नहीं समझे ना। तो ऐसे सिचुएशन में अभी कब क्या क्या को फलन दिख रहा है, त्रिकोण मिति क्या को दिख रहा है? एक जगह दिख रहा है, लेकिन कम से कम क्या को होना चाहिए? 2 को। तब एगो को मानेंगे, एगो आएगा। तो अभी आपको फलन बहुत छोटा दिख रहा है, वो सिंपल दिख रहा है, और कभी कभी सिंपल चीज ज्यादा नुकसान करता है ना सीधा। तो सबसे पहले ये सिंपल है, इसको थोड़ा जटिल बनाइए। तो सिंपल है तो इसको थोड़ा सा उटपटांग बनाइए, इसके लिए आपको दसमा की तरह तोड़ना पड़ेगा। 1 ये cot x है, तो cot x को आप cos x बटा sin x लिखिएगा, जिसके कारण भिन्न का जोड़ घटाव करने के कारण ये जटिल हो जाएगी। आइए, क्या आपको नहीं लग रहा भिन्न का जोड़ घटाव कितना होगा? क्या सही है का ये भिन्न का जोड़ घटाव साइन ऊपर चला जाएगा। अब थोड़ा सा जटिल बना, फिर आप सोचिए किसको रखने पर क्या आएगा, नहीं होगा। फिर सोच रखिए किसको रखने पर क्या आएगा। अब नीचे वाले को मानते हैं, ऊपर वाला गड़बड़ा जाएंगे। जब भी एक बार सुनिएगा, हाँ सही बात लड़का बोला, जैसे इस प्रकार के सवाल आएगा ना, तो आपको थोड़ा ध्यान से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसा होगा, थोड़ा इसमें क्या लोचा होता है थोड़ा सुनिएगा। इस प्रकार के सवाल में आप ये करिए, ऊपर में कैगो साइन है, एक और नीचे में त्रिकोण में निष्पत्ति कैगो है, 2 गो। दोनों अलग अलग है लेकिन है ना 2 गो। आप लोग देखिए क्या करना चाहिए, साइन जो एगो है उसको 2 गो बना लीजिए। तो 2 गो साइन बनाने के लिए क्या करिएगा, साइन एक, देखो आपका प्रश्न है कुछ ये, आपका प्रश्न है ये ना है आपका प्रश्न, तो इसमें आप 2 से ऊपर गुना करो तो 2 से नीचे भी गुना कर लिए। जैसे ही 2 से ऐसे किए तो 1/2 तो कोई काम करना है, लेकिन साइन कैगो हो गया 2 गो। जैसे 2 गो साइन हुआ तो आप इसको अलग करके हटा सकते हो का, जैसे इसमें नहीं हटल है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखल हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब इसमें से हटा दीजिए, हटाने का मतलब साइन प्लस साइन लिख सकते हैं ना, अरे साइन 2 साइन को साइन प्लस साइन लिख सकते हैं। अब ध्यान सुनिए, लिखते हैं हम, गौर सुनिएगा मेरी बात को। अब हम क्यों बिना बोले लिख दिया, अब इसको सोचो, छेड़खानी हो गई, जबरदस्त छेड़खानी हो गई। पहले क्या किए, मरिया छेड़खानी हो गई, पहले क्या किए, ये 2 साइन था इसको हम अलग अलग कर दिए। देखो ये दोनों साइन अलग, साइन प्लस साइन लिख दिए, और साथ ही साथ जब साइन को अलग कर लेंगे तो 2 आइटम होगा दोनों साइन। तो इसमें क्या किए, हमको कॉसों की नहीं जरूरत था, तो एक कॉस जोड़ दिए और फिर एक कॉस घटा दिए, सवाल के साथ छेड़छाड़ किए, मतलब वही चीज को जोड़े वही चीज को घटा, कट कर नहीं, पहले से हो जाएगा लेकिन मेरा काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, क्योंकि ये 2 आइटम था अब 4 आइटम नहीं हो गए हो। पहले था एगो साइन, उसमें 2 से गुना कर दे तो 2 गो हो गया है ना,
दो गो हो गया ना, फिर एक चीज को जोड़ एक चीज को घटाए तो दो गो था और दो गो और आ गया, कितना हो गए चार गो। मेरे पास नीचे में क्या चीज़ है दो गो, मतलब कुल मिला करके ये ऐसा हम छेड़छाड़ कर रहे थे ऊपर वाले को बड़ा करने के लिए, कितने की चल छोटा ना है। जैसे ऐसे होगा तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक आइटम्स है और फिर यहाँ से यहाँ तक एक आइटम है, क्या अलग कर सकते हो? ये दोनों को एक साथ रखिएगा फिर ये दोनों को एक साथ, क्या अलग कर सकते हो? जैसे अलग करिएगा तो ये तो 1/2 आपके पास है ना, जैसे अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, जब ये बटा ये करेंगे तो आपको आ जाएगी 1, आ जाएगी 1, अरे 1 आ जाएगी ना। अब प्लस जब ये बटा ये करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आप सही समझ रहे हैं का? सही लिख रहे हैं, समझ रहे हैं का? वही के ये बटा ये। अब थोड़ा सा अगला स्टेप, अगर आपको ज्यादा लोचा हो रहा है तो आप अलग कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो तो 1/2 तो सबके साथ नहीं चला जाएगा, हो ये हो जाएगा 1/2 वन डी एक्स अब प्लस 1/2 और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्या अलग कर लिए? इसका एक का तो इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स, लेकिन इसका आपको पता है क्या? ऐसा आप बना चुके हो याद है का, प्रतिस्थापन इसमें लगेगी, इसमें प्रतिस्थापन नहीं लगेगी, इसमें प्रतिस्थापन लग जाएगी। अरे अभी थोड़ा देर पहले नहीं बताते, नीचे वाले को मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, जैसे नीचे वाला मानोगे साइन का अवकलन कितना होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, ना आ जाएगा हो, जैसे नीचे वाले को करोगे ऊपर वाला बिल्कुल आ जाएगी, समझे ना। लेकिन थोड़ा इसको ऐसे करिए, सुनिएगा इसको ऐसे करिए, आप इसको कुछ ऐसे करके बनाइए ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ऐसे करें बनाइए लो। माना कि, माना कि टी किसको मानोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन एक्स का कितना, साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस है, अरे आया का ऊपर में साइन माइनस कॉस एक्स में आया, हमको कॉस माइनस साइन, हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या हम सही लिखे का? क्या किए, ये भाग में था गुना में आ गया और माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दिए तो नहीं माइनस चढ़ गया। अब बताओ इतना लंबा के जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, टोटल नहीं आ जाएगा, तो इसलिए अब आई बराबर बताइए तो क्या होगा, हो इसका तो आपको डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, हो तो तुरंत बताओ इसका नहीं हो जाएगा, तो देखो 1/2 एक काम कर लेते, सीधे लिख दें यहाँ पे एक्स बटा टू, सही है, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा समझ में आया क्या, क्योंकि यहाँ पे जब भी समाकलन करते थे कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ पे हम C1 लिख दिए और फिर इसका जो कांस्टेंट आ गया इसको क्या लिख देंगे C2 और अंतिम में C1 C2 की जगह पे C लिख देंगे, ये भी प्रोसेस है। नहीं तो आप इसको C1 मत लिखे, अंतिम में एक बार C लिख देना आंसर निकालते समय, ये भी ना आपका सही है, कलोचा नहीं ना, तो आपका समाकलन हो गया क्या x/2 प्लस ये 1/2, अभी इसका समाकलन नहीं हुआ है, बताओ कितना हो जाएगा टोटल की जगह कितना, माइनस डी टी ना, तो माइनस आगे आ जाएगी तो हो जाएगा डी टी बटा कितना, बटा ऊपर सब खत्म हो गया तो नीचे वाला क्या माने हैं टी, अब आपको नहीं लग रहा काम हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 और 1/t का लॉग टी प्लस सी, अब बताओ x/2 माइनस 1/2 लॉग टी की जगह कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, क्या समझ में आ रहा है ना, ये रहा आपका सवाल। तो ऐसा सवाल जब दिखे ना तो समझ जाएगा पहले इसको इस प्रकार का छेड़छाड़ करना है, समझ में आया ना, हम ऐसा लग रहा है जो आपका सवाल था क्या 21 22 भी कुछ उसी प्रकार की हो सकती है, हो जाएगी 22 भी कुछ उसी प्रकार की होगी, ट्राई कीजिएगा। और कोई सवाल में 23 नंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, 23 नंबर है आपको √tan(x)/ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ध्यान दीजिएगा एक को चुनिए अवकलन कीजिए बाकी का आना चाहिए, और आपको बता चुके हैं कोपचा वाले को ज्यादा मानते हैं, है ना, कोपचा में क्या है टैन है, तो अगर कोपचा वाले टैन का अवकलन करते हो तो टैन का अवकलन क्या होती है, टैन का अवकलन होती है सेक स्क्वायर एक्स, क्या आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है, नहीं है, एक मिनट, लेकिन आप थोड़ा अगर सोचोगे टैन को बने सही जवाब है, ये नीचे में क्या है कॉस है, अगर कॉस ऊपर जाता है तो ये सेक एक्स बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स नहीं बनेगा, हमको तो सेक स्क्वायर एक्स चाहिए,
क्योंकि अगर टेन एक्स को हम मानते हैं टी, इसका अवकलन करते तो हमको क्या आएगा sec square x, तो sec square बगल में होना चाहिए तब हम उसके जगह पे dt प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास साइन है और कॉस है और हमको चाहिए sec square x। चलो यहाँ पे कॉस के जगह पर अगर कॉस स्क्वायर होता, अगर इस कॉस स्क्वायर होता तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाता है sec square, काम हो जाता मेरा। लेकिन नीचे में क्या है cos x, लेकिन हमको दरकार किसकी है, नीचे में cos square x होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा ना, अगर नीचे में cos square x होता तो मजा आ जाता, लेकिन नीचे में क्या है cos x। आपको किस चीजों की कमी महसूस हो रही है, आपको नीचे में एक और cos होता तो cos square हो जाता और ऊपर में जाकर sec तब मजा आ जाता। मतलब आपको इस सवाल को देखते हुए कोई चीज की कमी महसूस हो रही है, यस एक चीज की, कौन चीज की, एगो cos नीचे में होना चाहिए। तो आपको पता चल गई, जहां पे जो चीज की कमी महसूस हो छेड़छाड़ कर दो, जहां पे जिस चीज की कमी महसूस हो ना छेड़खानी कर दीजिए। क्या अब आपको नहीं लग रहा है छेड़खानी कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। देखो क्या है tan x और नीचे में क्या है sin x into cos x, सही है। हमको एगो cos नीचे में चाहिए ना, तो नीचे में एगो cos दे दीजिए, तो अपना मन से ऊपरों में एगो cos देना पड़ेगा हो लड़के, अगर एगो cos नीचे दे दे cos ऊपरों में देना पड़ेगा। सवाल का साथ ऐसा छेड़खानी करे कोई फर्क ना पड़े, जरूरत कहाँ महसूस हो रही थी cos का नीचे, लेकिन नीचे दे तो ऊपर देना पड़ेगा। अब बताओ ये दोनों cos ऊपर जा करके क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, और ये cos बटे sin cot नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, जरूरत क्या है, रूट अंडर टेन एक्स तो है ना, और ये cos ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये गो cos बटे sin क्या हो जाएगा cot x नहीं हो जाएगा, हो इंटू डी एक्स। क्या समझ में आया, सब सेट कर लिए, ये ऊपर जाकर cos बटे sin क्या होगा cot x। अब आपको लग रहा है tan को मानने को तो sec स्क्वायर आ जाएगा, आइए बात कर लेते हैं। चलिए तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, माना कि t किसको माने tan x को हम t माने, तो अब dt बटा dx बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब dt बराबर sec स्क्वायर x dx हो जाएगी, क्या sec स्क्वायर x dx जगह dt पुट हो जाएगी, आइए प्रतिस्थापित करते हैं। अब i बराबर, ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं लग रहा है ये दोनों मिलकर dt बन जाएगा, बन गई, बचा क्या रूट अंडर टी नहीं हो जाएगा, हो नहीं हो जाएगा, और बचा क्या cot x। अच्छा जब यहाँ देखिए, जब टी के जगह पे tan x रख सकते हैं तो वन बटे टी के जगह पे cot x नहीं रख सकते हो, नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि जब हमको tan t की जगह किसका रख सकते हैं, मतलब tan x जगह पे t रख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ tan x नहीं दिख करके क्या दिख गया cot x, मतलब tan का उल्टा, अर्थात हम t का उल्टा वन बटे टी कर देते हैं, लोचा नहीं होगा, मतलब जब tan के जगह पर t तो cot के जगह पर 1 बटे t, तो अर्थात cot के जगह पर क्या लिख देंगे 1 बटे t, क्योंकि हमको सारे फलन को t के रूप में ना कन्वर्ट करनी होती है। अब बताइए क्या थोड़ा सा काट लोगे क्या, इधर आधा गोटी नीचे में गोटी, आपको नहीं लग रहा है 1 बटे रूट टी होगा डी टी होगी, और क्या 1 बटे रूट टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, यस 2 रूट टी प्लस सी। अब बताइए 2 रूट टी कहाँ आ जाएगा, आई बराबर हो गए 2 रूट टी की जगह पे टेन एक्स प्लस सी, क्या कोई लोचा है, जल्दी खाली कीजिए और आज इतना ही रहेगा, खाली करिए।